आई एम जस्ट होपिंग, क्योंकि देखो ये जो मेन कहानी है वो तो प्रिडिक्टेबल है कि एक लड़की है, उसने आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट करना है और बदला लेना है. प्लॉट इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, बट अगर फैसल कह रहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स और मज़े के होंगे तो आई एम हैप्पी टू हेयर दैट, क्योंकि वो चाहिए है इस प्लॉट को. अब वो जो हमने सोच लिया है कि ये होना है, जो कि नज़र आ रहा है, जो सामने है कि एक लड़की है वो बदला लेगी, एक दिन खुल भी जाएगी हकीकत के कैसे कर रही है क्या, उसका तरीका कैसा होगा और उसके अंदर मज़ीद ट्विस्ट या इंटरेस्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे. होनी चाहिए ऐसी जगह वो एलिमेंट्स जो आपको उस ड्रामे को बाकियों से अलहदा कर दें. वो एक तो इसी बात के बाद थप्पड़, इससे पहले जब वो कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है हिम्मत करके, और वो थप्पड़ वो वेरी वो वेल डन. तीन दफ़ा रिवाइंड करके देखा, मैं नहीं पकड़ सकी कि ये कैसे, बिकॉज स्लोमो नहीं था मेरे पास देखने के लिए. घर का एक लड़का है कि हर कोई अपने अपने टाइम पे खाना खा रहा है ना, लड़के कहीं ना कहीं कुछ करते फिर रहे हैं और वो अकेला बैठ के खाना खा रहा है, और माँ आती है और वो कहती है कि तुम्हारा बाप को भी ऐसा ही पागल बनाया. वो बता रही है उसको कि इस लड़की की बात तो मैं बताना, वो बातें करते देख चुकी है ना उसको उससे. तुम उससे क्या बातें कर रहे थे, तुम क्या बातें कर रहे थे. वो कहता कुछ नहीं, ऐसा ही तुम्हारे बाप को भी ऐसा ही पागल बनाया उसने. और वो लड़का उस मोमेंट पे हंस के कहता है कि तुम्हारे बाप को भी ऐसा ही पागल बनाया, और इधर वाले कैमरे पे वो जाता है, फिर वो सोचता है. आई थिंक दैट रियली वॉज अ हार्ड हिट्स मोमेंट. So I think the director is doing a swell job. The writing is working for me. Definitely 3 thumbs up. मेरे लिए writing ठीक जा रही है अभी तक, सवाए 2-4 ऐसी जगहों के जो कि ignore हो सकती हैं, जैसे कि और शायद writing का flaw भी नहीं है, because मुझे लगा कि जब वो aim कर रहा था दूल्हा जिसको हम कह रहे हैं नबील पे, तो 3 दफ़ा target ने दिखाया है कि बिल्कुल सही टारगेट पे है, और उंगली जो थी वो ट्रिगर के बाहर थी. क्यों जब 3 दफ़ा टारगेट दिखा दिया तो फिर प्रेस क्यों नहीं हुआ ट्रिगर. सो वो एडिट का फ्लॉ भी है, थोड़ा सा डायरेक्शन का भी है, नॉट सो मच राइटिंग. सो राइटिंग अभी तक स्मूथ है. फिर आप क्या कहेंगे, जैसे इन इन दोनों का पॉइंट है इस हवाले से कि व्हाई उसने चूज क्यों किया बादल ने उसको मारने के लिए, कि जो नया लड़का आया है. हाँ, ये फ्लॉ है. आई वुड एग्री विद देम ऑन दिस, क्योंकि अगर मारना ही था तो किसी और को करते टारगेट और लगती जिसको भी इन्होंने मारना था उस वक्त, इसी आदमी को लगती. बट टारगेट शुड हैव बीन समबडी एल्स, नॉट द दूल्हा. और जो इससे पहले की कहानी थी उसमें तो बात जा ही इसी तरफ रही है कि जमदा जो है वो चाह रही है कि ये लड़के आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे को मार दें, बिकॉज दोनों एक लड़की पे एक फ्यूड है ना. सो उसके प्लान के हिसाब से तो ये खुद मारे एक दूसरे को, उसका प्लान तो इस तरह चल रहा है. और अगर किसी ने बीच में आना है, दूल्हा पुराने दूल्हा ने, और उसने आके मार रही है किसी को, तो शामिल बनता था वहां बिल्कुल, या अब्बा बनते थे. अब्बा नजर नहीं आए. हाँ, अब्बा बिकॉज वाजंट रियली राइडिंग, दीज गाइज, दीज 3 गाइज वर एक्चुअली राइडिंग, वो रिकग्निशन था. चलें, सो आई थिंक स्टिल फेली गुड, आई विल गिव इट अ 7.5 जस्ट द सेम. कहानी में दम है. 7.5 मेरे लिए इस शो का जो मेन हीरो है ना वो डायरेक्टर ही है, क्योंकि द वे ही इज शॉट and composed every scene, घर का हो चाहे horse riding का scene हो, उसकी composition, उसके shots, वही गाड़ियों वाला जो अभी हम बात कर रहे थे कि इधर से भी बाप आया और उधर से बेटा आया और फिर उन्होंने गाड़ी रोकी, किस तरह वो उतरे हैं, किस तरह बात की, किस तरह एक चला गया और दूसरा निकल के frame में आ गया. I think beautiful. और ये वही बात है जो हम कहते हैं ये इस ड्रामे को रेडियो नहीं रहे कह सकते आप, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे नहीं तो आप पता नहीं क्या क्या कुछ मिस कर जाएंगे. डिटेल, द थॉट टू द डिटेल, कि जब वो बाप जिसके हाथ में गोली लगी है, द ब्रदर, और वो जाने लगते हैं कि अच्छा वो डॉक्टर कह रहा है आप जा सकते हैं, और वो जब उठने लगता है तो घड़ी मांगता है. सो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताती हैं कि इस ड्रामे में डायरेक्टर है, बट डेफिनेटली एन 8 फॉर वजाहत.
आउट ऑफ द 7 एपिसोड्स दैट वी सॉ, मुझे इस एपिसोड में 7th में और उस सीन में जहाँ वो कहती है, पूछता है आके दूल्हे का नाम क्या था, एंड शी इज टेकन अबैक एंड देन शी सेज शी डजंट नो, एंड दैट मोमेंट डायरेक्टर ने भी बनाया कि कितनी देर लगी उसको बोलने में, और उसने एक्सप्रेशन भी दिया और उसने कहा कि उसका नाम क्या था, बादल था, हाँ उसका नाम बादल है है ना। वो सीन मेरा ख्याल है अभी तक की जितनी परफॉर्मेंस है दूरे फिशा की, उसमें बेस्ट सीन था बाय हर, एंड आई विश दैट उसी को वो एक माइलस्टोन बना के, जाने के बाद जो उसके एक्सप्रेशन थे ना वो जिस तरह से, अब अच्छा वहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, जाने के बाद वाले नहीं लगे मुझे अच्छे, क्यों, क्योंकि जाने के बाद आने थे वो सारा फियर, वो पसीना, वो करीब से होके गुजरना एक खतरनाक जगह का, वो मैंने मिस किया है। बट वो जगह उसने बहुत अच्छी पकड़ी है जहाँ उसने कहा कि उसका नाम है बादल, वो उसने बहुत स्पॉट ऑन दी है। मुझे ये लगता है कि दुरे का मसला ये है कि वो बोलने वाली जगह बहुत अच्छी पकड़ती है, मगर बगैर डायलॉग की जगह के अंदर के साथ एम्पथाइज करना उसको नहीं आता, वो अंदर जाके आना होता ना उस जगह के, वो खुद नहीं जाती है उस जगह में। सो आई एम होपिंग कि आगे अच्छा हो, फॉर नाउ आई थिंक आई हैव मोर देन अ गुड जॉब फॉर हर एंड 6.5। मेरे लिए इस एपिसोड का हीरो बरलास था, बिकॉज जहाँ जहाँ वो आया है उसने अपना, अब लोग कुछ अपसेट भी हो जाते हैं, वो कहते हैं हम लड़कों को ज़्यादा नंबर देते हैं और लड़कियों को कम देते हैं, एंड आई फील ये बिल्कुल वो सही कहते हैं क्योंकि ऐसे होता है। आई एम जस्ट सेइंग द बॉयज आर डूइंग एवरीवेयर, मेन इन दिस फील्ड आर डूइंग सो वेल राइट, ऑल द एक्टर्स आर डूइंग सो वेल, गर्ल्स हैव टू बी, दे आर इन कॉम्पिटिशन, दे हैव टू कम्पीट, हाँ बहुत सीरियस कॉम्पिटिशन है और बहुत सीरियस लेने वाला कॉम्पिटिशन है लड़कियों, इसलिए अपनी गेम को अप करने की ज़रूरत है, सिर्फ अच्छी शक्लें कुछ नहीं कर सकेंगी। बरलास जहाँ जहाँ आया है वहाँ वहाँ जहाँ वो आया है और उसने अपनी पसंद को और उससे जिससे उसकी शादी होने वाली है उनको देखा है और आवाज़ दी है, जो भी उसका नाम था पानी एरिया, जो भी उस लड़के का, उसको चीख के आवाज़ दिया है, वो सो गुड। देन बाप के साथ थप्पड़ जब उसने खाया है, फिर जहाँ बाप ने और उसने गाड़ियाँ रोकी हैं और बाप ने उसको कहा बताओ मुझे तुमने ये किया, ही दिस गाय, ये बच्चा हमेशा से अच्छा एक्टर है, जहाँ जहाँ इसको जगह मिलती है, इसको पहले अच्छा मैंने देखा है, मैंने जिस पहले ड्रामे में इसको देखा था तब भी मैंने कहा था ये बच्चा है, इसमें दम है, सो ही इज़ रियली गुड। और जो आखिरी बिट था ना जिसमें वो कहता है कि इसे हाँ, तुम्हारे बाप को भी ऐसा ही बेवकूफ बनाया, हंस के कहता है कि माँ क्या कह के चली गई है, और फिर वहाँ से ट्रांजिशन देता है और फिर सोच लाता है कि ये जो कह गई है। सो मेरे हिसाब से इस एपिसोड में हमें उसे करना चाहिए था रेड, बट इट्स फैसल, एंड फैसल को पिछली दफ़ा भी 8 मिले थे, इस दफ़ा भी मिलेंगे। फैसल को तो हमने किया ही रेड, पिछली दफा किया हमने उस सर को किया था, हाँ, किया था, हाँ, सर को किया था, हाँ बट साहब को किया था, फैसल को भी आपको फोन करके बोलेंगे, हाँ, फैसल बट फैसल हैज बीन सुपर, बट फैसल से तो हमें उम्मीद है ना, एंड ही इज एन 8 एनीवेज।